Hello dear students, once again I welcome you all. In this video we will see and solve the question answer of exercise of chapter number 4, materials, metals and non-metals. So the first question is, which of the following can be beaten into thin sheet, right? Beaten into thin sheet, what is the property of metal by which it can be beaten into thin sheet? That property is known as मेलियबिलिटी. दिस इज यू हैव टू रिमेंबर. मेलियबिलिटी मतलब कि मेटल की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को हम किस में चेंज करते हैं, सीड्स में चेंज करते हैं, राइट. तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें मेटल कौन सी है. फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन तो मेटल नहीं है, बट जिंक इज ए मेटल. तो जिंक कैन बी बीटन इन टू थिन सीड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. All metals are ductile? No. All non-metals are ductile? No. Generally metals are ductile. ये वाला statement हम इसको सही कर लेते हैं. Some non-metals are ductile. ये भी गलत होगा. Generally metals are ductile. अब ductile मतलब क्या होता है? Ductile मतलब the property of metal which by which it can be drawn into wire. Metal की वो property जिससे हम उसके wire बनाते हैं उसको हम कहते हैं ductility. What we say? Ductility. तो डक्टिलिटी जो है वो कौन शो करेगा? वो मेटल शो करेगा. क्लियर? डक्टिलिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप्स हैं. फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव मेटल. सी, फास्फोरस इज टू टाइप, रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस, राइट. तो ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो बहुत रिएक्टिव होती है, राइट. व्हेन इट कैप्ट इन ओपन इट कैन बी रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग फास्फोरस ऑक्साइड. तो नॉन मेटल विच इज़ वेरी रिएक्टिव इज फास्फोरस. अब मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. नेक्स्ट है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. हाउ यू विल आइडेंटिफाई? यू नीड टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज विच आई हैव शोन इन द प्रीवियस वीडियो. फॉर दिस इंस्टेंट यू कैन लर्न दिस थिंग by learning these three words, जन फेकू. जन फेकू को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. जन फेकू, जिंक, आयरन एंड कॉपर. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बट लेस रिएक्टिव देन जिंक. एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक. तो हेयर वी कैन से आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. दिस स्टेटमेंट वी कैन सॉल्व. मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल की रिएक्शन हम एसिड से कर दें. अगर हम यहाँ मेटल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करेंगे तो मेटल क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ट्रू और फॉल्स, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल. यस, इट इज ट्रू. कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक. बिल्कुल नहीं कर सकता कॉपर जिंक को डिस्प्लेस बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव. सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. कोल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर. कोल तो नॉन मेटल है, उसको हम वायर नहीं बना सकते हैं. अच्छा, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी. अपियरेंस की बात करते हैं. अपियरेंस मेटल जो है वो शाइनी अपियरेंस देता है. सो अपियरेंस मेटल्स हैव जनरली साइनी अपीयरेंस. अब साइनी अपीयरेंस को हम कहते हैं लस्टर. सो मेटल हैव लस्टरस प्रॉपर्टी वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट हैव साइन, राइट. सो दे आर नॉन लस्टरस. हार्डनेस की बात करेंगे तो जनरली मेटल्स आर हार्ड. मेटल जो है वो हार्ड होते हैं. सोडियम पोटेशियम वेरी सॉफ्ट, ये एक्सेप्शन है. इनको हम नाइफ से काट सकते हैं. नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड को छोड़ के ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं. लेकिन डायमंड जो है वो बहुत हार्ड होता है. फिर है मेलियबिलिटी, यानी कि मेटल कैन बी बीटन इनटू सीट. सीट हम बना सकते हैं मेटल्स की, राइट. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेलियबिलिटी. तो मेटल्स आर मेलियबल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मेलियबल और वी कैन से ब्रिटल. अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल मीन्स जब उसको आप बीट करेंगे, राइट. जब आप उसको हथौड़े से बीट करेंगे तो इट कैन बी ब्रोकन डाउन लाइक
इन द पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में ये चेंज हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज ब्रिटल. अच्छा, नेक्स्ट है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मतलब मेटल कैन बी ड्रॉन इन टू वायर. मेटल को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं. तो वी कैन से मेटल्स आर डक्टाइल, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. वी कैन नॉट ड्रॉ द वायर फ्रॉम द नॉन मेटल्स. हीट की बात करते हैं तो जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. कंडक्शन की बात करते हैं, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन याद रखना है, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम. एल्यूमिनियम फॉइल को हम यूज करते हैं फूड आइटम को रैप करने के लिए. व्हाट, व्हाई वी यूज एल्यूमिनियम फॉइल? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू सीट इज कॉल्ड मेलियबिलिटी. एल्यूमिनियम इज ए मेटल एंड एल्यूमिनियम फॉइल आर मेड एक्सप्लोटिंग दिस प्रॉपर्टी. दे कैप्ट फूड आइटम वॉर्म एंड सेफ फॉर कंटेमिनेशन. तो एल्यूमिनियम फॉइल को हम इसलिए यूज करते हैं कि वो सेफ रखते हैं फूड को, ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहता है. एज वेल एज द फॉइल विच इज विच सो द मिलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम. लेकिन द राइट रीजन इज इट कैन बी प्रोटेक्टेड, इट कैन प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम द एटमोस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन. राइट, सो मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन विल नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द फूड एंड फॉर लॉन्गर टाइम वी कैन कीप द फूड वॉर्म एंड सेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड. इमर्जन रॉड यानी पानी गर्म करने के जो रॉड होते हैं वो मेड अप ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस. वो मेटलिक सब्सटेंसेस के क्यों बनते होंगे? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज वाई इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. तो जनफेकू आपने याद रखा है, जनफेकू है ना. जनफेकू का मतलब क्या है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो जिंक है, फिर आयरन है और फिर कॉपर है. तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है. राइट, सो हेयर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. फिर है सोडियम एंड पोटेशियम आर कैप्ड इन कैरोसिन. व्हाई? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड व्हेन दे हैव बीन एक्सपोज इनटू एयर, जब ये एक्सपोज होते हैं एयर में दे विग्रेसली रिएक्ट और वो बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं. दे कैच द फायर, दे डू द एक्सप्लोजन. दैट इज़ वाई दे हैव बीन कैप्ड इन द कैरोसिन. इसीलिए इनको कैरोसिन में भी रखते हैं. वाटर में क्यों नहीं रख सकते हैं? बिकॉज विद वाटर ऑल्सो दे डू रिएक्ट विग्रसली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. देखिए, लेमन पिकल इज सॉर सब्सटेंस. सॉर सब्सटेंस कंटेन एसिड. राइट, तो एसिड की रिएक्शन अगर हम एल्यूमिनियम यानी कि मेटल से करते हैं तो हमें पता है क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है. सो इन दिस वे दिस हाइड्रोजन स्पॉइल द लेमन पिकल और दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो. इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने पहले दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग टेबल सम सब्सटेंस आर गिवन इन कॉलम वन एंड टू, सम यूजेज आर गिवन. मैच द आइटम इन कॉलम वन विद दोस इन कॉलम टू. जैसे अब गोल्ड की बात करें, गोल्ड का हमको पता है कि इट इज़ यूज टू फॉर्म ज्वेलरी. आयरन का हमको पता है इट कैन बी यूज इन टू द मशीनरी. एल्यूमिनियम कैन बी यूज फॉर एल्यूमिनियम फॉइल फॉर रैपिंग द फूड. राइट, कॉपर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक वायर. मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर और कार्बन इज यूज एज फ्यूल. तो इस तरह से हम इसको मैच कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या होता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर ऑन कॉपर प्लेट. कॉपर प्लेट पे जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम डालते हैं तो कॉपर एज ए मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस कॉपर सल्फेट विच इज ब्लू
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस। तो कॉपर की रिएक्शन यहाँ देखिए, कॉपर की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है तो कॉपर सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आयरन नेल प्लेज इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो आपने पता है कि हमने अभी पढ़ा था जनफेकू, ठीक है। तो जनफेकू में हम देख रहे हैं कि आयरन नेल को हमने डिपॉजिट किया है, डिप किया है किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर एंड फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बना लेगा, कॉपर को फ्री कर देगा, राइट। दिस इज़ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन सल्फेट का कलर क्या होगा, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन कलर होगा, ठीक है। और ये कॉपर जो है वो आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की डिपॉजिटिंग हमें देखने मिलेगी। व्हाट इज़ द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इज़ ब्लू कलर। तो ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है, राइट, इस रिएक्शन में किस कलर का हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब हमने आयरन नेल डिप किया कॉपर सल्फेट में, देन इट फॉर्म आयरन सल्फेट विच इज़ पेल ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, राइट डाउन, कलेक्टेड द गैस इवॉल्व इन द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, सलोनी ने क्या किया है, चारकोल लिया है। चारकोल किसका बना होता है, कार्बन का, और इसने इसको बर्न किया है। देन आफ्टर बर्निंग चारकोल विच गैस इज इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, राइट। यहाँ एक टेस्ट ट्यूब में उसने कलेक्ट कर लिया है, क्या है ये, गैस है। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपन को क्या बताना है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो नेचर ऑफ द गैस इज एसिडिक इन नेचर। कैसे पता करेंगे ये एसिडिक नेचर का है, बिकॉज चारकोल कंटेन कार्बन, कार्बन इज मेटल और नॉन मेटल, इट इज़ ए नॉन मेटल। जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो क्या बनेगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा। इसका नेचर क्या होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। अब ये कैसे पता करेंगे कि ये नेचर क्या है, तो क्या करेंगे, इस गैस को हम सबसे पहले नेचर अगर पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वाटर को ऐड करने पे क्या होगा, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा, किस में, रेड में चेंज कर देगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जो गैस बना है उसका नेचर क्या है, एसिडिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिएक्शन जो है इसकी वर्ड इक्वेशन हम इसको लिख सकते हैं, वर्ड में क्या रिएक्शन होगी, पहले लिखेंगे कार्बन, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस रिएक्ट विद वाटर एंड कार्बोनिक एसिड विल फॉर्म्ड, राइट। और थर्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, कार्बोनिक एसिड राइट, ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड। ये तीन रिएक्शन हम इसमें कंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलरी शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ ज्वेलरी शॉप जाती हैं। हर मदर गेव ओल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। और गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को वो अपनी ज्वेलरी दे देते हैं कि पॉलिश करना है। ओके, देन नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द बैक ज्वेलरी दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो दूसरे दिन जब देखते हैं ज्वेलरी में तो उनकी ज्वेलरी में जो है वो थोड़ा सा वेट कम होता है। अब आप बताइए क्या रीज़न है। देखिए, दो पॉसिबल रीज़न है यहाँ पे। पहला रीज़न ये है कि जब ज्वेलरी है, ज्वेलरी असली है या नकली है, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी भी अवेलेबल है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से कराते हैं। जो सुनार हैं, जो गोल्ड स्मिथ है, वो नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ज्वेलरी चेक करते हैं, राइट।
अगर गोल्ड प्लेटेड है तो ऊपर की जो गोल्ड लेयर है वो उसमें डिजॉल्व हो जाती है, गोल्ड लेयर डिजॉल्व हो जाती है। इस तरह से जो ऊपर की लेयर डिजॉल्व हो गई तो भी वेट लॉस हो गया, है ना, चेक करते हैं। तो दूसरा क्या होता है कि दूसरे केस में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl और HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? इनके मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं? याद रखिए, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में हम इस गोल्ड ज्वेलरी को डिप कर देते हैं, राइट। अब एक्वारेजिया क्या हो गया? इट इज़ ए हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो और ज्वेलरी किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है, राइट। तो गोल्ड ज्वेलरी की जब हम इसमें डिप करते हैं तो क्या होता है, जो सरफेस है ज्वेलरी की, सरफेस जो है, सरफेस ऑफ द मेटल विल डिजॉल्व, वो डिजॉल्व हो जाएगी इसमें। इस तरह से क्या होगा, गोल्ड की जो ऊपर की सरफेस है वो डिजॉल्व हो गई है तो उसका वेट क्या होगा? कम हो जाएगा, राइट। इफ दे फाउंड है दे हैड प्योर गोल्ड ज्वेलरी, देन दे हैव बीन चीटेड बाय गोल्ड स्मिथ इन द गेज ऑफ पॉलिशिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। प्योर गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड इंक्लूडिंग नाइट्रिक एसिड, बट प्योर गोल्ड डज रिएक्ट। प्योर गोल्ड जो है वो किसी एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक्वारेजिया, एक्वारेजिया मैंने बताया नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गोल्ड स्मिथ हु आर नॉट फेयर इन डीलिंग मेक यूज ऑफ एक्वारेजिया टू वॉश द गोल्ड ज्वेलरी। इन दिस क्लीनिंग प्रोसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड अलॉन्ग विथ सरफेस इम्प्योरिटीज, जो गोल्ड के ऊपर इम्प्योरिटीज होती हैं और गोल्ड जो है ऊपर का सरफेस का, इफ एनी गेट डिजॉल्व इन एक्वारेजिया, वो एक्वारेजिया के एसिड मिक्सचर सोल्यूशन में क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। एंड फॉर पॉलिशिंग दे यूज बफिंग मशीन्स, गोल्ड ज्वेलरी सो पॉलिश इज रिटर्न टू कस्टमर विच इज़ लेस वेट एज पार्ट ऑफ ऑलरेडी डिजॉल्व इन एक्वारेजिया, द डिजॉल्व गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय देम लेटर। बाद में फिर वो एक्वारेजिया से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर, होपफुली यू अंडरस्टैंड इन ए वेरी वेल वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।